पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारी संगठन की महाहड़ताल बुधवार 6 फरवरी से शुरू हो गई है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर राज्य कर्मचारी, शिक्षक और अधिकारी आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। पुरानी पेंशन बहाली मंच के बैनर तले 150 संगठनों के मुरादाबाद में लाख से ज्यादा कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी करीब एक हफ्ते तक हड़ताल करने की बात कह रहे हैं। सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए महाहड़ताल को गैर कानूनी घोषित कर एस्मा लगा दिया है, लेकिन कर्मचारियों ने प्रदेश में लागू किए गए यूपी एस्मा से न डरने की हुंकार भरते हुए प्रदर्शन जारी रखा है। आपको बता दें, लोगों के विरोध प्रदर्शन को ध्यान में रखकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हड़ताल के असर को कम करते हुए अधिकारी कह रहे हड़ताल से काम प्रभावी न हो, इसके पुख्ता इंतजाम है। वही जबरन हड़ताल को मजबूर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कह रहे हैं। वही बोर्ड एग्जाम को लेकर इमरजेंसी में निपटाने को प्रशासन ने प्रबंध किया हुआ है। कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर द्वितीय चरण के आंदोलन में आज 6 फरवरी से 12 फरवरी तक हड़ताल है। आज हम लोग जो सभी संगठन विभाग हड़ताल पर एक ही पेंशन बहाल की जाए। जब एक ये सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं और वो पुरानी पेंशन लेते हैं और उनको पुरानी पेंशन नहीं दे रहे, नहीं दे रहे हैं, फायदे गिना रहे हैं। नई पेंशन फायदे बंद है तो सांसद और विधायक उनको भी वो पुरानी पेंशन क्यों ले रहे हैं? स्वयं पुरानी पेंशन लेंगे और हमको नई पेंशन, क्योंकि नई पेंशन का जो पैसा है वो शेयर मार्केट में लगाया, हमारे यूनियन के पार्टी आए हैं, अपने पैसे को जुड़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता है, ये हम आंदोलन।